बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। होपफुली यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी खस्ता समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ और बनाएंगे आलू चिकन के समोसे। कैसे बनाती हूँ इसकी फिलिंग तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। पैन में सबसे पहले ऑयल ले लिया है, ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चिकन बोनलेस ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। पिंक से वाइट कलर जैसे ही हो गया तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इस पॉइंट पे सॉल्ट इसलिए ऐड करती हूँ कि इससे जितने भी फ्लेवर्स हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्यूजन हो जाता है ऑयल में। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ी देर के लिए कवर करके तब तक कुक किया जब तक चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। अब इसका पानी जो है इसका मॉइस्चर हम ड्राई कर लेंगे। और वेजिटेबल्स आपने तब ऐड करनी है जब बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो जाए चिकन में। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और उसे फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। इसे करेंगे अच्छी तरह से सौते। उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कैबेज यानी बंद गोभी जिसे मैंने बारीक थिन स्लाइसिस में कट कर लिया है। साथ में डाल दी है कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया, और साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि सारे जितने भी मसाले हैं उनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और इसके बाद हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। फ्लेवर्स को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें चाइनीज सॉल्ट। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें और साथ में काली मिर्च का पाउडर जाएगा। इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और ज़बरदस्त तरीके से वेजिटेबल्स और चिकन को कर लेंगे फ्राई। अब इसमें इस पॉइंट पे मैंने क्यूब्स में कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं और मटर। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। आलू और मटर मैंने बॉईल करके ऐड किए हैं, आप भी मेरे कहने पे ऐसे ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बड़ा मज़ेदार सा इसका बैटर और फिलिंग हो गई है रेडी। इसे कर लेंगे अलग से किसी पैन में निकाल के ठंडा। अब जी नेक्स्ट स्टेप है, इसके हमने डो रेडी करनी है। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। ये मेरे पास हाफ़ कप है, हाफ कप की मेजरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 हाफ कप्स लिए थे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक यानी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें अजवाइन जाएगी। इन तमाम चीज़ों के साथ इसमें जाएगा 2 भर के 2 टेबलस्पून घी, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं घी थोड़ा सा और ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप उसमें मिक्स कर लेना है, ये पॉइंट इसमें ज़रूरी है। और आप लोगों ने देखना है जब तक डो आपके हाथ में थोड़ी सी शेप लेने लग जाएगी, आपने पानी डालने से पहले एक बार चेक कर लेना है। अगर ये शेप ले रही है तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे हम इसकी डो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने नीम गर्म पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है और अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा इसका डो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल आपने बहुत पतला या बहुत सॉफ्ट डो इसके लिए नहीं बनानी। जो नॉर्मल आटा हम गूंथते हैं उससे एक पॉइंट ये थोड़ी सी हार्ड होती है और फिर ही खस्ता से समोसे बनते हैं। तो जनाब डो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर ली है और अब इसे मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इसे रेस्ट देंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा दें और इसे कवर करके आप 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल छोटे साइज़ के हमने बॉल बनाने हैं। और तकरीबन इस डो से 9 बॉल्स बन गए थे, इसका मतलब इसमें 18 समोसे आराम से बन जाएंगे, 18 समोसे बन जाएंगे। तो जी सबसे पहले आपने इसे रोल करना है। वो बच्चियाँ जिन्हें समोसे बनाना मुश्किल लगता है उनके लिए बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। आपने इस तरह से रोल करना है, बिल्कुल पतला सा इसे बेल लेना है। इसके बाद आपने सेंटर में एक कट लगा लेना है। अब हम एक पीस उठाएंगे, इसके किनारों पे लगाएंगे पानी और इसे बिल्कुल ऐसे किनारों से प्रेस करके एक कोन की शेप दे देंगे और इसके अंदर हम कर देंगे फिलिंग ऐड। आपने बिल्कुल ऐसे पॉकेट की शेप बना लेनी है और इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। जिन लड़कियों को ये तरीका मुश्किल लगता है उनके लिए एक और मेथड है, आगे आप लोग वीडियो को वॉच करें, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप एक और मेथड से इसको ऐसी शेप दे सकते हैं बहुत इजी वे में। तो जी ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी शेप रेडी हो गई है, समोसे की शेप। और समोसे बेसिकली ट्रायंगल होते हैं,
तो इसी तरह आपने बाकी समोसे भी बना लेने हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप लोग और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग गौर से देख लीजिए, आपने इसी तरह इसके अंदर सेंटर में फिलिंग ऐड कर लेनी है और आपने पानी लगा लेना है इसके तमाम किनारों पे, और एक साइड उठानी है, उसको प्रेस करके आपने उसके साथ स्टिक कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड उठा के इस तरह से समोसे की शेप दे देनी है। तो आगे मैंने दोबारा से ये रिपीट किया है, आप लोग दोबारा देख लीजिए। मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, आपने ऐसे सेंटर में कट लगाना है और कोई भी फिलिंग आपने उठानी है। वो बच्चियाँ जिन्हें समोसे की शेप बनाना मुश्किल लगता है हाथ से रोल करना, वो ऐसे बना सकती हैं। आप बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर पानी किनारों पर लगाएं और एक साइड को उठाकर उसके साथ चिपका लें दूसरी और उसके बाद दूसरी साइड को उठाएं और ये ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। तो बस आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी किनारा जो है वो ओपन नहीं हो, उससे फिर फ्राइंग के टाइम पर मुश्किल होगी। तो इसी तरह आप समोसे बना के रख लें। आप चाहें कोई रुमाल या कपड़ा बिछा दें ट्रे में और बनाकर आप इस तरह से फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब आ गया है फ्राइंग का टाइम। ऑयल आपने नॉर्मल हीट, मतलब नॉर्मल गरम कर लेना है, बहुत ओवर आपने गरम नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि समोसे क्रिस्पी बने तो आप लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको ऐड कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होना शुरू हो जाएंगे और इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप ऐसे ऑयल के साथ अच्छी तरह इसे फ्राई करें तो दोनों साइडें अच्छी तरह कुक हो जाएंगी। तो फिर आपने इसे, एक साइड कुक हो जाएगी तो फिर आपने इसे टर्न कर लेना है और फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे कुक नहीं करने। तो फिर ही ये क्रिस्पी समोसे रेडी होंगे और अंदर तक इसकी जो इसकी डो है वो अच्छी तरह कुक हो जाएगी। जैसे ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाएगा, रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा, तो आप लोग इसे निकाल लीजिए। और डो इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि बिल्कुल भी ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं किया इसने। और आप देख सकते हैं मैंने पेपर टॉवल बिछाया है, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डो अगर अच्छी बनी हो तो वो ऑयल कम से कम अब्ज़ॉर्ब करेगी। तो लीजिए जनाब, है ना एकदम मज़ेदार से समोसे। आज ही आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ट्राई की। आप लोगों को इसकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा कट लगाते हुए ही फील हो रहा होगा किस कदर क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़े की फीलिंग है। इसी फीलिंग के साथ बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। एंड हियर आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू आर हियर। Keep watching, keep sharing, and do support me. If you are new to my channel, you can also subscribe me as well. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.